हेलो एवरीवन, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने मतलब इतना आप सबको बताया था जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, और एक प्रॉब्लम भी देखा था। इस प्रॉब्लम में मैंने आपको ये बताया कि देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ था मेटल का, और आपको काइनेटिक एनर्जी बताना था। तो काइनेटिक एनर्जी तब पता चलेगी, पहले तो अपने को ये पता चलना चाहिए कि आपने दिया कितना है। हमने दिया ही उसमें 4.96 था। अगर आपने 4.96 दिया तो पहले तो आपने उसको इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाया ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगा। मतलब कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो था वो जीरो था। क्या कॉन्सेप्ट था मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है, इस मेटल को सबसे पहले तो अगर मान लीजिए वो बॉटम पे, तो सबसे पहले तो इसको उसको सरफेस पे लाना है। तो इसके सरफेस पे हमने को लाने के लिए तो पहले तो अपने को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी होगी, और अगर हमने ज़्यादा एनर्जी दी है तो जो बची हुई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है जो हमने दी है माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। फिर मैंने आपको एक भी ये बात भी बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जीरो टू मैक्सिमम के रेंज में होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप तो या तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, या तो इसकी क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके आए या यहाँ से, इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका हम एनर्जी नहीं बता सकते। तो उसका हम कैसे बता सकते, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। आगे का पार्ट देखते हैं। आगे का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपने को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना वो अपने से जनरली नहीं होते, क्योंकि वो थोड़े से कठिन होते हैं। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, बस आपको वो याद रखना है, उससे आपके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 10 सेकंड में ही हो जाएंगे। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लाइट जो होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। एक नेचर होता है वेव, एक नेचर होता है पार्टिकल। जो लाइट का वेव नेचर होता है उसमें जो एनर्जी होती है ना वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, जबकि जो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है उसमें एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का एक पार्टिकल नेचर शो करता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है ना वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वेव नेचर इंटरफेरेंस हो करता है। अब आपको ये जो मैंने डिपेंडेंसी लिखी ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दो लाइन याद हो गई तो आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आता है ड्यूअल नेचर से तो आप कर सकते हैं। अब के बाद आप याद रखना, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे, फ्रिक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे या वर्क फंक्शन, मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन, ये सब एक साथ रहते हैं। मतलब अगर आप कल को वर्क फंक्शन बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, तो आपको याद रखना है। उसी तरह आप ये भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन अगर आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। तो आपको ये डिपेंडेंसी याद रखनी कि ये चार लोग एक साथ और ये चार लोग एक साथ। कभी आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैं नंबर ऑफ फोटोन एक से दो कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अनचेंज फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, तो आपको एक बात याद रखना, ये चारों का एक साथ डिपेंडेंसी है, ये चारों का एक साथ। आप अगर इसमें से किसी एक कोई एक बढ़ेगा तो इन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई एक बढ़ेगा तो इन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, बस अभी ग्राफ करने के बाद। अब अपने को ग्राफ्स देखने, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो अपने को देखने हैं, क्योंकि इन ग्राफ से नीट सिटी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इस इनके ग्राफ्स दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनके स्लोप्स बता दो आप। जैसे कि पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, एचएफ माइनस एचएफ नॉट, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैंने बोला था ना, जो इंसिडेंट एनर्जी है जो आप देना चाह रहे हैं, एनर्जी जो आप दे रहे हैं, माइनस वर्क फंक्शन, तो एनर्जी क्या होगा, एचएफ माइनस एचएफ नॉट। अब आप मैंने बनाया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस एफ का ग्राफ, वाई एक्सिस पे क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है वाई, एक्स एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब एफ क्या होगा एक्स होगा, तो एफ के बाजू वाला क्या होगा एम होगा, मतलब कि स्लोप होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है ना उसका स्लोप एच होता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि नीट में डायरेक्टली ऐसा आपको एक एमसीक्यू दे देगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस एफ के ग्राफ में जो स्लोप है उसका वैल्यू बताओ, तो स्लोप बाय डिफॉल्ट क्या होगा एच होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी
जो एच की वैल्यू होगी वही उस स्लोप की वैल्यू होगी, मतलब कि 6.63 × 10⁻³। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या उसके बाद माइनस एच एफ नॉट है, तो सी की वैल्यू, सी को क्या बोलते हैं अपन, वाई इंटरसेप्ट बोलते ना, क्या वाई इंटरसेप्ट माइनस में है, माइनस एच एफ नॉट है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से बनेगा, नेगेटिव से बनेगा, नेगेटिव वाई से, नेगेटिव वाई से कुछ ऐसा बनेगा एंड स्ट्रेट जाएगा, समझा। द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी बट इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये जो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करना है ना, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, न कि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वेरी करना मतलब कि डायरेक्ट ओरिजिन से पास होना, प्रोपोर्शनल का वेरी करना मतलब कि कोई भी जो चीज़ है वो ओरिजिन से पास हो, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो मतलब वो लीनियरली वेरिएबल है। स्ट्रेट लाइन है ऐसे स्ट्रेट जा रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है तो मतलब प्रोपोर्शनल है। अगला ग्राफ अपने को देखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच एफ माइनस एच एफ नॉट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ई वी नॉट, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। क्या होगा आगे, आगे देखो आगे क्या होगा, ई को आप इस साइड भेज दोगे तो क्या आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई एफ माइनस एच बाई एफ नॉट। अब आपको सवाल आएगा कि क्यों सर आपने ई को इस साइड भेजा, क्यों, क्योंकि अपने को V नॉट अकेले चाहिए, अपने को V नॉट वर्सेस एफ का ग्राफ बनाना है तो V नॉट अपने को अकेले चाहिए। तो अब देखो V नॉट क्या हो गया, Y एक्सिस पे हो गया, F क्या हो गया, X एक्सिस पे, तो M की वैल्यू क्या आएगी, H बाई E। तो इसका स्लोप क्या होता है, H बाई E। आज के बाद आपको याद रखना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है ना, उसमें स्लोप की वैल्यू H बाई E होती है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस F का ग्राफ है उसमें स्लोप की वैल्यू क्या होती है, एच होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह। क्या यहाँ भी वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, तो वाई इंटरसेप्ट को आप ऐसे नेगेटिव में ड्रॉ करेंगे एंड ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये भी लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे अपने को एक ग्राफ देखना है आई वर्सेस वी। आई क्या है, करंट, वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आई वर्सेस वी में जो ग्राफ बना है कुछ इस तरह से, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आई एस क्या है, सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट कैसा करंट होता है, जब मैंने आपको बताया था जब कैथोड प्लेट से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड प्लेट पे पहुंच जाए, और जो जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या एक मैक्सिमम करंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट करंट आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट। अब कुछ लोग को डाउट आएगा ये वी नॉट नेगेटिव में क्यों रखा है, पॉजिटिव में क्यों नहीं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो एक तरह का नेगेटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है ना, जब ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रोकेगा ना, अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अपने को सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू देखेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू में क्या पूछा है, जैसे कि मैं आपको दो टाइप का एमसीक्यू इसमें बताऊंगा, एक तो कॉन्सेप्चुअल और एक न्यूमेरिकल बेस्ड, क्योंकि नीट में आजकल कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जाता है नीट सिटी में, तो इसलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू देखेंगे। तो पहले एमसीक्यू में पूछा है कि एज द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चारों ऑप्शन आपको देखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, मैंने उधर पीछे भी बताया और इधर भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये दो आपको लाइन याद रखनी है, बिकॉज अपन अगर ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू देखते अगर सोचेंगे ना तो बहुत कठिन हो जाता है सोचने के, तो इससे अच्छा है कि अपन ये दो लाइन ही याद रखें, आपको इन दो लाइन से ही ये एमसीक्यूज हो जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रिक्वेंसी ये एक साथ रहते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन या फोटो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन करेंट इंटेंसिटी ये सब एक साथ रहते हैं। कभी भी काइनेटिक एनर्जी का कोई फर्क इंटेंसिटी पे नहीं आएगा, इंटेंसिटी का कोई फर्क काइनेटिक एनर्जी पे नहीं आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेकिन इसका कोई इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो पहले ही चला गया, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज से कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फर्क पड़ेगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो
इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे, क्या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी राइट है। सेकंड एमसीक्यू देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज, मतलब जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कब इंक्रीज होंगे वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब इंक्रीज करेंगे तब, सही बात है, पहला ऑप्शन ही राइट है। क्या इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे, मतलब कि ऑप्शन ही राइट है। सी तो हो ही नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी ए चार एक साथ, तो अगर इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ रहा है तो फ्रिक्वेंसी पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और वेवलेंथ भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन नेवर हो तो रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड क्वेश्चन का वैसे अगर हम देखेंगे तो इसका लैंग्वेज बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, बट आप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए, ये दो शॉर्टकट्स, अगर आपको ये दो शॉर्टकट आता है तो आप थर्ड क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस लैंग्वेज बड़ा लिखा है देख के अपने को डर लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं इस सवाल में। क्या बोला है, द कैथोड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज्ड सच डेट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम W1 to W2। ये बोल रहा है कि जो कैथोड है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, मैंने उसको इस तरह से चेंज किया है कि जो वर्क फंक्शन है वो चेंज हो रहा है W1 से W2 की ओर, और जो W1 से W2 की ओर हो रहा है वो W2 जाता है। इफ द करेंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस आर I1 एंड I2, ऑल अदर कंडीशन रिमेन अनचेंज देन। ये बोल रहा है कि W1 से W2 मैंने चेंज किया वर्क फंक्शन, और करेंट भी चेंज हो रहा है I1 से I2 की तरफ, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एक बात बताओ, क्या आप वर्क फंक्शन चेंज कर रहे हैं, और वर्क फंक्शन चेंज करके क्या आप करंट पूछ रहे हैं? वर्क फंक्शन इधर है, करंट इधर है, क्या दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में आते? वर्क फंक्शन का कोई, वर्क फंक्शन के चेंज का करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ऑप्शन है I1 = I2 डायरेक्ट। तो अगर आपको ये चार दोनों आता है तो आप ये सवाल को आसानी से कर सकते। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन का फर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पड़ सकता है, फ्रीक्वेंसी पे पड़ सकता है, काइनेटिक एनर्जी पे, इन चारों पे नहीं पड़ सकता। ठीक है, आगे देखो, एक फॉर्मूला और मैंने आपको इधर बताया, क्योंकि देखो इसका जो ये फॉर्मूला जो है ना, ये सब एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स में बताया जाता है, बट यहाँ एक दो एमसीक्यू पूछ लिया गया है तो मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया है। डिटेल में जब मैं आपको वेव ऑप्टिक्स का भी बताऊंगा तो वहाँ मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। क्या बोला है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना इंटेंसिटी कम होगी, मतलब अगर आप डिस्टेंस दो गुना करेंगे ना तो इंटेंसिटी चार गुना कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो का स्क्वायर मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में भी डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ अ लाइट, एक फोटो सेल है, मैंने उसको इल्यूमिनेट किया है सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब उस पर लाइट डाला है, विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेल। इफ द डिस्टेंस बिकम D/2 देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड विल बी, अगर मैंने डिस्टेंस D/2 कर दिया, आधा कर दिया है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड है वो कितना होगा? डिस्टेंस आपने 1/2 किया है, तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे या इंटेंसिटी पूछे, बात एक ही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। देखो ना, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर। क्या यहाँ D/2 लिखा है? तो करो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर, वही क्या होगा, क्या ये 4 हो जाएगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो क्या इंटेंसिटी बढ़ेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, 4 टाइम, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो 4 टाइम ना, तो मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, राइट है। अब आप मेरी बात समझो, क्या अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा ना? देखो ना, फॉर्मूले से भी देख लो, तो 2 टाइम्स तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। 1/4 भी नहीं हो सकता क्योंकि आप डिस्टेंस कम कर रहे हो, डिस्टेंस कम करोगे तो इंटेंसिटी तो ज़्यादा होगा ना, और रिमेन सेम है तो हो ही नहीं सकता, मतलब अगर आप उससे भी देखे कॉन्सेप्चुअल सोचे भी तो बी ऑप्शन ही राइट दिख रहा है, ए सी और डी एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब हम
आगे का पार्ट इसमें जो है कि अपने को न्यूमेरिकल्स देखने न्यूमेरिकल जो देखने न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक पर पूरा लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ आपको वेरिएशंस कवर किया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको किसी भी पर्टिकुलर एमसीक्यू की बुक से सॉल्व करना है। देखो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कोई एमसीक्यू का बुक सजेस्ट करो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ एमटीजी फिंगर टिप्स या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। देखिए आप किसी भी बुक से आप करें, सब में सवाल वेरिएशन एक ही तरीके के होते हैं, बराबर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है ना तो आप कोई भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कल आपका पूरा कम अगले लेक्चर में मतलब पूरा वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।